कंपटीशन का जो कि प्रीवियस ईयर है, नया वर्जन है, तो उसका आज हम बायोलॉजी का 14वां सेट लेकर आए हुए हैं, जो कि पिछले वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए। और हर वीडियो में 70, 80, 60 क्वेश्चन रहता है और छोटा छोटा वीडियो बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और थोड़ा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है? तो रीढ़ की हड्डी का भाग है, सी नंबर सही हो जाएगा। मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 270 हड्डियां होती है। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती है? तो अस्थि बंध से यानी लिगामेंट से जुड़ी होती है। स्नायु बंध हड्डियों को जोड़ता है। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे स्नायु कहा जाता है। डैश एक मनुष्य मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, तो इसका हो जाएगा माइक्रो जो कि नहीं है, बाकी सब बाल सॉकेट ग्लाइडिंग और सैंडल है, माइक्रो नहीं है। मानव शरीर कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी है, जो कि डी में दिया है। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? तो रिब्स कहा जाता है। निम्न में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? तो कंधा नहीं है, बाकी कपाल, मेरुदंड और पसली है। रीढ़ को मेरुदंड भी कहा जाता है। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? तो दिल में होती है। इसके बाद इसका हो जाएगा बी नंबर सीरा। सीरा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है, जो बना है तो कैल्शियम और फास्फोरस से बना हुआ है। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को पेशीय बल कहा जाता है। स्वैच्छिक मांसपेशियां हाथ में विद्यमान होती है। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कार्टिलेज मुलायम करती है। अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ व्यूह में अंतः स्थापित होती है, जो कि कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो कैल्शियम आवश्यक है। ऐच्छिक मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो स्टेपीज है। कार्डियक मांसपेशियां शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की सहायता करती है, जिसमें लय व संकुचन और विश्राम की आवश्यकता होती है। स्नायु न्यूनतम आधारित मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक है। 2500 पेशियां बहुनाभिक होती है। हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? एड्रेनलाइन जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे हैमर, एनबिल और सिट्रप स्ट्रिप, जो कि सी नंबर दिया है, बीच वाले कान में है। हमारे कानों में उपास्थियों की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या हैं? तो इसका हो जाएगा हैमर, एनविल और स्ट्रियप है, जो कि बी नंबर में दिया है। मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, तो एक्टिन कहलाता है। मानव शरीर में द्विशिरस्क मांसपेशियां कहाँ स्थित होती है? तो
बाह में स्थित होती है यानी भुजा में। मायोसिन और एक्टिन क्या है? तो ये मांसपेशीय प्रोटीन है। सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो मांसपेशीय तंतु को कवर करती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाई जाने जाने वाली हड्डी नहीं है? तो एक्स नहीं है, बाकी सब हैमर, स्टीरप और एल्विन है। नी कैप को क्या कहा जाता है? तो पल्लिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन अस्थिबंध लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं? तो हड्डी और हड्डी जुड़े होते हैं, हड्डी से हड्डी। अब देखते हैं अंतःस्रावी तंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? मेलानिन है। टेस्टोस्टेरोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? तो मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करने के लिए है। पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? तो कंठ या टेटुआ को कहा जाता है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व तो आवश्यक है? तो आयोडीन आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? तो इंसुलिन है। निम्न हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? तो एड्रेनालाइन, इसका ए नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन है। मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो इसका हो जाएगा इंसुलिन। मानव शरीर में इंसुलिन का क्या कार्य है? तो यह नियंत्रित करता है कि शरीर ग्लूकोज और वसा का उपयोग और भंडारण कैसे करता है। इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो लार ग्रंथि नहीं है, बाकी सब पिनियल, अधिवृक्क और थायरॉइड ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि पिनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ऑटू ग्रंथि, थाइमस, अधिवृक्क, अग्नाशय इत्यादि। इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय गीभा के विस्तारण को उत्तेजित करता है? तो ऑक्सीटोसिन इसका हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, बढ़ाइए आगे चैनल को। पिट्यूटरी ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस से एक पतले ठंडल से ढकती हुई होती है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो पीयूष ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? तो अग्नाशय। इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन। एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को युग्मनज कहा जाता है। आयोडीन थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। पुरुषों से वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन वृषण पुरुषों में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। थायरोक्सिन थायरॉइड ग्रंथि, श्वास नली T4, इंसुलिन अग्नाशय बीटा कोशिका, एस्ट्रोजन ग्राफियन फालिकिन। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो ग्लूकोगन। यकृत मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो यकृत नहीं है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है? तो इसका हो जाएगा आयोडीन। इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्नाशय से होता है। थायरॉइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो गला में स्थित होती है। इंसुलिन किसे विनियमित करता है? तो रक्त शर्करा का स्तर। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है?
अग्नाशय में अंतःस्रावी ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियों को ठीक है, इसका आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका क्या आंसर होगा, इसका हम बाद में आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, धन्यवाद।